इतिहास, ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास है, जिंदा इतिहास, ये रोशनी का जिंदा इतिहास है। किताब है, ये छाप है उम्मीद की बची हुई, ये एक सदी के दर्द का जवाब है, जिंदा इतिहास, जिंदा इतिहास, ये जिंदगी का जिंदा इतिहास है। जिंदा इतिहास की इस कड़ी में कला की दुनिया के सहारे इंसानियत का रास्ता तलाश करता एक बेहद जरूरी इंसान हमारे सामने है। नाम है भवेश चंद्र सान्याल। कलाकार भवेश सान्याल का जन्म 1902 में जिला डिब्रूगढ़ आसाम में हुआ था। बचपन में जंगल की हरियाली, संगीत और माँ द्वारा सुनाई गई कहानियों ने छोटे से बच्चे भवेश को बेहद संवेदनशील बना दिया और आगे आने वाले दिनों में इसी संवेदनशीलता ने भवेश चंद्र सान्याल के भीतर एक कलाकार को जन्म दे दिया। आज 20वीं शताब्दी समाप्ति पर है और कला की दुनिया में इतिहास की तरह शामिल भवेश सान्याल पूरी निष्ठा, लगन और मेहनत से अपनी कला से जुड़े हैं। 75 बरस लंबी ये यात्रा भवेश सान्याल के रूप में आज हमारे सामने है। हमारे घर में म्यूजिक वगैरह का चर्चा काफी रही है। आई लॉस्ट माय फादर प्रोबब्ली व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड, पर माय अंकल हु लुक्ड आफ्टर अस, ही वाज वेरी मच डिवोटेड टू म्यूजिक, थिएटर, and one hand, on the other he was very keen on developing a good healthy body. He used to have a lot of young people around him. Kushti wushti ka akhda wagaira bhi wo karata the, phir gana, acting. Luckily hamare ghar ke aas paas puja baadi hota tha, जो हर साल दुर्गा पूजा यूज टू बी ए ग्रेट फेस्टिवल इन द सेंस, अपार्ट फ्रॉम इट्स रिलीजियस एस्पेक्ट, द मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस चिल्ड्रन वॉज द मेकिंग ऑफ द इमेज व्हिच इन्फ्लुएंस्ड मी वेरी मच। मैं कितनी ईगरनेस से देखता रहा कि इमेज मेकर आके कैसे वो मूर्तियाँ बनाते थे, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट टुक द फाइनल शेप, इट वाज अ रिवॉल्यूशन, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट माय माइंड कि व्हाट इज वंडरफुल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन व्हिच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। माय मदर व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, I think after she became a widow, she gradually, without my knowing it, kind of molded my vision for the future. तो उसमें ये है कि she used to make small clay images just to amuse me, which could be gods and goddesses, animals, birds. She was very good at it. So for me it has been a very standby, always at the back of my mind. कलात्मक रुझान वाले परिवार में अपना बचपन बिताकर भवेश चंद्र सान्याल ऊंची शिक्षा के लिए कलकत्ता आ गए। उस समय असहयोग आंदोलन पूरे उफान पर था, इसके प्रभाव से सान्याल भी अछूते नहीं रहे।
So we left college and all that for 3-4 years. Went around, joined processions, uttered slogans, put on khadi. And the heaviest khadi, the more patriotic we felt. But after 3-4 years, I started scratching my head. Kuch to karna hi padega. Ultimately, I decided to join the School of Arts. And that was my childhood inspirations, that one day I would like to make likenesses. I used to think it was a great thing to be able to make a likeness. God created, I am told, the entire universe, its creatures. I said, it would be wonderful if I can create another creature. Likeness, it's a great gift. So it prompted me to join the School of Arts. सन 1929 लाहौर में कांग्रेस का महाअधिवेशन। सान्याल जी को लाला लाजपत राय की प्रतिमा बनाने के लिए लाहौर बुलाया गया, जिससे प्रभावित होकर मेयो कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में तुरंत उन्हें नियुक्ति दे दी गई। लाहौर में बीसी सान्याल की दोस्ती सज्जाद हैदर जहीर, फैज अहमद फैज और हफीज जालंधरी जैसे लोगों से हुई। सान्याल की कला को साहित्य का साथ मिला और कला जैसे विषय को नए अर्थ के साथ समझने का मौका भी। ट्रेनिंग का पद्धति थी उन दिनों में, इट वाज मोर ऑर लेस बेस्ड ऑन एकेडमिक रियलिज्म। आस पास, सामने पीछे आगे जो देखते रहते हैं, वही हमारा मतलब है कि उसको हमने ट्रांसफर करना है विथ योर स्किल दैट यू हैव लर्न्ड, या अपना जो भावनाएं हैं उसके बेसिस के ऊपर कि कितना कुछ हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय वर्क व्हिच इज विजुअल एंड प्लास्टिक मीडियम। तो धीरे धीरे हम देखते रहे कि इसके अलावा भी एक अपने अंदर जो चिंतन का शक्ति है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो कई चीज़ों के इंटरप्रिटेशन जो साहित्यकार है वो वर्ड के साथ करेंगे, मुझे वो करना है थ्रू माय ओन ईडियम। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी की कीमत में देश का विभाजन भी शामिल था। ये वो समय था जब जिंदगी कुछ देर के लिए जैसे ठहर गई थी और इस ठहराव ने कलाकार भवेश चंद्र सान्याल को भीतर तक हिला दिया। इट वॉज ए पीरियड ऑफ सच ग्रेट टेंशन। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं था, आस पास जहां भी देखे लोगों को कोई दिशा नहीं देख रहा था। तो उन दिनों में ये तय करना कि करना क्या है बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ जो 18 साल मैंने बिताया वहाँ और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ I had come across, उसमें से दोस्ती का निशान क्या है, दोस्ती का मतलब क्या है, अगर शायद वो पार्टीशन ना होता तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि है क्या है ये दोस्ती जिसको हम कहते हैं। मैं इस कमरे में आता हूँ तो मेरा पहला नजर इसके ऊपर होता है और इसको देखने से ही मुझे पुरानी बातें याद आता है। 1946 में मैंने लास्ट एग्जीबिशन किया था अपने स्टूडियो में और हाफिज जलंधरी, द वेल नोन पोएट, उनको हमने बुलाया कि आप
आज के फंक्शन में मेरा मेहमान, उन्होंने आके ये लिख कर लाए थे मजमून, मुझे उर्दू तो पढ़ना नहीं आता है, समथिंग लाइक नजरे सनियाल, देन ही कंपोज दिस पोएम और अपने हाथ से कैलीग्राफ्टेड, और मैंने बहुत कुछ खो के आया वहाँ, मेरा स्टूडियो, घर, पेंटिंग, 18 इयर्स वर्क, और फिर भी दिस आई वाज एबल टू सेव. इट गिव्स मी वंडरफुल फील व्हेन आई जस्ट लुक एट इट. This instrument demands a lot of attention, particular way of holding the sitar. Otherwise, you can't play sitars. I mean, this is a sacrilege to treat the instrument in this fashion. But the, even the very, very, very appearance of the thing makes me very happy. If I'm distracted or disturbed, if I look at this instrument, it diverts my mind away from everything. I think a musical instrument is a wonderful thing for people who are a little sensitive to music. The appearance of the instrument is inspiring enough, or gives you a kind of a peace of mind which you do not get from anything else, provided there is some musicality in you, you see. So that's that. स्वभाव से सरल व चिंतनशील कलाकार भवेश सान्याल का विवाह 1944 में हुआ. पत्नी स्नेहलता कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता भी थीं और रंगमंच की कलाकार भी. 50 बरस के इस वैवाहिक जीवन में ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं. कलाकार भवेश सान्याल शुरू से ही बेहद कम बोलते हैं. रोजाना के हर काम को वे बेहद शांति, धैर्य और अनुशासन से करते हैं. दो अलग अलग विधाओं के स्वतंत्र कलाकार अपने वैवाहिक जीवन में किन विश्वासों और मूल्यों के साथ समझौता करते हैं, या किस आदर्श के साथ कलाकार भी बने रहते हैं और व्यक्ति भी, शायद स्नेहलता सान्याल से बेहतर कोई नहीं जानता. एक दृष्टिकोण है जो जो हम हमारा एक साथ मिलता जुलता है. अगर ये ना हो तो फिर ये आपस का जो ये सहज रहना है ये मुश्किल होता है. बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि एक आपस में दो इंसानों को इकट्ठे रहने के लिए एक स्पेस चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र मेरे से 18 बरस ज़्यादा है, तो मुझे इनका फिक्र रहता है बहुत, तो मुझे हर बात का ख्याल रखना पड़ता है कि खाना ठीक हो, ये हो वो, जो मैंने पहले कभी नहीं किया. मैंने इनके कपड़ों का कभी ख्याल नहीं किया, मैंने खाने पीने का कभी ख्याल नहीं किया, अब मैं करती हूँ. और अब हमारे में आपस में ऊपर की थोड़ी सी नोकझोंक भी हो जाती है, क्योंकि समझ लीजिए प्यार की नोकझोंक कह लीजिए, लेकिन काफ़ी वो सख्ती से भी हो जाती है कभी. मैं डांट देती हूँ, जो कि मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं डांट सकूंगी. घर परिवार की व्यक्तिगत दुनिया के बाहर भवेश चंद्र सान्याल अपनी कला यात्रा में आज भी पूरी तरह क्रियाशील हैं. वे किसी भी पुराने या नए कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी में जरूर जाते हैं. एक लंबे जीवन और अनुभव से वे जब भी अतीत की ओर देखते हैं तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ लगता है. हालांकि जमाने के कई रंगों को उन्होंने एक साथ देखा है, लेकिन आज खरीदने और बेचने की दुनिया में जब भी संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दुखी हो जाते हैं. ऐसे परिस्थिति रहा तो केला और कला में कोई फर्क नहीं रहेगा. ये हंसने की बात नहीं है,
पर दुख होता है। मैं अभी अभी कुछ एग्जीबिशंस देखा, एक होते ही एक और आ गया, ऑक्शनियर्स फ्रॉम अब्रॉड, दे आर कमिंग टू प्रमोट, दे आर नॉट कमिंग टू प्रमोट एंड प्रीच आवर आर्ट, दैट आई कैन सी, इट्स वेरी क्लियर, द मोटिवेशन इज टू अर्न, अर्न मनी, जिसमें कि कुछ लाभ तो जरूर होगी हमारे आर्टिस्ट को, मुझे इस बात की कोई खैद नहीं है कि हमारे आर्टिस्ट का पॉकेट में कुछ पैसे जाए तो बुरी बात नहीं है, पर जिस तरीके से ये पैसे पॉकेट में जाएगा, बहुत फास्ट, वो भी बहुत फास्ट, डिपेंडिंग ऑन द फास्टनेस ऑफ द आर्टिस्ट, ये मुझे जरा दुख देता है। मे बी वन ऑफ दीज डेज आई विल बिकम ए विक्टिम ऑफ दिस माई सेल्फ, यू नेवर नो। सान्याल जी की इस पीड़ा को शायद तब ज्यादा बेहतर ढंग से जाना जा सकता है जब उनकी लंबी कला यात्रा के मूल्यों को उन्हीं के अतीत में झांक कर समझा जाए कि हमारी जो जमाना जो मैंने बीता है उसमें कला का परिस्थिति जो था ना, उसमें गंभीरता था, गंभीर सोचने की बात था, और उसके बाद हम काम करते थे, वो उभर के सामने आता था, जिसके तरफ ध्यान देने से कोई दर्शक हो वो देखें तो उनको मालूम होगा कि जैसे आर्टिस्ट ने काम करके दिखाया है और जो मैं देख रहा हूँ अपने सामने, उसमें से भागदौड़ का काम नहीं था, ए काइंड ऑफ क्वालिटी which presupposes a kind of concentration of mind, absorption of the prevalent cultural milieu, all these were supposed to be, in fact they were essentially the basic visual experience of looking at a work of art. 93 बरस के भवेश सान्याल प्रकृति, संगीत और मनुष्यता के संबंधों का जीवंत उदाहरण है। वे ये मानते हैं कि कला का कोई भी रूप समाज से आता है और भारतीय संस्कृति की कोई भी बात भारत के गांव के समाज को जाने बिना नहीं की जा सकती। जिसको हम संस्कृति कहते हैं, भारतीय संस्कृति, वो आपको शहर में नहीं है, वो है गाँव में। They are the preservers, but they don't propagate because it is part of their life. They don't wear it on the sleeves to talk of culture. They live it, so therefore they don't talk about it. And it is for us to go and explore and find out the meeting point. And once that has taken place, there will be another type of evolution and revolution in our cultural life. देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बदलाव के लिए सान्याल जी सिर्फ विचार ही नहीं देते बल्कि उन्हें वे खुद प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। शहर और गांवों के मूल्यों को समझने, जानने और उन्हें नजदीक लाने के लिए उनकी कोशिश पिछले 50 साल से जारी है। कांगड़ा वैली के एक गाँव अंदरेटा में उनकी संस्था वुडलैंड सोसाइटी इसी कोशिश का एक नतीजा है। और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट ए सिंथेसिस between the urban and rural culture, कि लोग यहाँ से जाए, कहीं भी भारतवर्ष हो कि बाहर से, कई लोग आते, सुंदर जगह है, वहाँ रहने का एक अनुभव वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वहाँ जाने से आपको, इफ यू आर ए पोएट, इफ यू आर ए राइटर, इफ यू आर ए डांसर, म्यूजिशियन, पेंटर और ए स्कल्टर, इंस्पायर टू डू सम वर्क। साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वो ग्रामीण जीवन में स्कूल वगैरह बहुत है, वो बच्चे हैं, लड़कियाँ लड़के, मास्टर टीचर लोग को हम ले आते हैं और इकट्ठे बैठ के वो देखते हैं, बातें करते हैं, तो अपने आप ही वो एक वर्कशॉप बन जाती है। सो दीज पीपल आर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू हैव दिस न्यू एक्सपीरियंस।
and try it out, try out their hands in whatever way, in writing, dancing, music. मैंने बहुत सारे ऐसे किया है तो मैं चाहता हूँ इसका माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि ये जो coming together, so that one is not obliterated by the other culture, rather एक दूसरे को और बढ़ावा दे और ये होने वाले है, होना चाहिए। लगभग एक शताब्दी का सच सान्याल जी के साथ आज हमारे सामने है। इस जिंदा इतिहास में ढेर सारे पड़ाव भी हैं और अनेक यात्राएं भी। सच को अगर सच की तरह कहा जाए तो वो बूढ़े हैं, लेकिन अगर सच को सच की तरह सुना जाए तो समाज की दी गई सारी परिभाषाएं वे एक झटके में तोड़ देते हैं। What do we associate with old age? People usually think in terms of a bent person, breathing very hard, coughing away, is a very unpleasant picture altogether, which shocks me. And I promise myself, I am never going to bend down, I am never going to cough, you see, as if it is within my control. But मैं देखता हूँ कि old age का मतलब ये नहीं है कि you have become a deprecate and something lifeless, idealless. तो फिर रहा ही क्या, इससे बेहतर है कि वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक ख़त्म नहीं होता है, I believe that we should live it through with a kind of sense of joviality, sense of vitality. Vitality comes from within. Physically it may not be there, but I think the mind is a wonderful thing. You cannot define what is that thing you call mind. पर उसके जो बनावट है उसमें बहुत गुंजाइश है कि उस माइंड को अलर्ट रखा जाए। हम अलर्ट, अलार्म क्लॉक होता है ना, चाबी दे देते हैं, वो टाइम पे अपना आवाज़ सुना देता है। तो मैं भी वो चाबी देता रहता हूँ। मेरा जो अलार्म क्लॉक है, दैट इज़ ए काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्वालिफाइड बाय अनकॉन्शियसनेस। तो उस चाबी को मैं चलाता रहता हूँ एंड उसे मैं देखता हूँ कि माय आउटलुक, माय डिजायर्स, माय विशेस, माय लॉन्गिंग्स, दे आर स्टिल वेरी मच देयर। अब बात यह है कि उस लॉन्गिंग को हम कैसे पूरा करें। बट दीज लॉन्गिंग्स आर ए लिटिल डिफरेंट From when I was a young fellow. इसको explain करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, पर secret तो वही है। तो I hope I can keep on winding my clock now and then, so that there is a sense of fulfillment, and that fulfillment I can still derive by what I do sitting in my studio. My canvas, my color, my pigments, they speak to me, I have a dialogue with them. In fact, they are for me a live thing. Or मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे my dialogue is becoming very interesting and intriguing. Sometimes it challenges me. They even abuse me that you are an old fool. You have not made good use of me as yet. So I'm searching for that. I'm searching for the final use and the best use of my material around me. To what extent I can confine them within the given space available to me, which you may call creative. I don't think even in terms of creative or uncreative, but there's an action, activity, and that activity depends much of the alertness of your mind.